मेरी सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, मैं सो के उठने के बाद भी थोड़ी देर तक बिस्तर में बैठ के पता नहीं क्या ही सोचती रहती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपना फ़ोन चेक करती हूँ, तो फ़ोन में ना सबसे पहले मैं अपना वाइट स्टूडियो चेक करती हूँ, सब्सक्राइबर्स वगैरह देखती हूँ, पर हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगती है। उसके बाद मैं अपने बेड से उठती हूँ और उसके बाद मैं थोड़े अपने बाल वाल ठीक कर लेती हूँ, और फिर मैं अपने गेस्ट रूम में इस विंडो के पास में बैठ के, स्पेशली इस विंडो के पास में बैठ के मैं अपना थोड़ा सा टू डू लिस्ट तैयार करती हूँ कि मुझे आज पूरे दिन में क्या क्या करना है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने जो भी लिखा है मैं वो कर पाऊँ। और उसके बाद मैं ना गर्म पानी, एक गिलास गर्म पानी भी लेती हूँ ताकि मैं थोड़ी देर सिप लेती रहूँ, और सुबह में मॉर्निंग में गर्म पानी पीना अच्छा होता है। उसके बाद मैं अपना जो भी लिस्ट है ना उसको यहाँ पर रख लेती हूँ ताकि मैं आज भी अगर मेरे को याद नहीं रहे कि मैं क्या करना था तो मैं वो लिस्ट तैयार मतलब देख लूँ। और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लिस्ट पड़े हुए हैं जो कि मैं वीडियोस के लिए रखती हूँ। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा योगा करती हूँ, ये म्यूज़िक लगा रखा है मैंने, एंड यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करती बट मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेती हूँ। एंड उसके बाद फिर ये डांस वाले जुम्बा, ये मुझे बहुत पसंद है तो मैं ये करना पसंद करती हूँ। और ये सब करने के बाद फिर अपना ब्रश वगैरह करके, उसके बाद फिर अपने फेस वॉश करके, तो फेस वॉश करना मॉर्निंग में अच्छा होता है क्योंकि हमारे फेस में रात को ना बहुत सारा ऑयल वगैरह आता है इसकी वजह से। एंड आज मैं ब्रेकफास्ट खुद से बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना हुआ है, और फिर मुझे मन था कि आज पोहे खाने का, तो मैंने यहाँ पे पोहे बनाए बहुत ही टेस्टी वाले। आज रामनवमी था तो रामनवमी का ना जुलूस निकला था जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैं 1 बजे अपने पार्लर पहुंची। पार्लर में हमने अपना जो यूजुअली जो हम पार्लर में मतलब मेकअप वगैरह करते हैं, जो भी चीज़ें हमारी काम होती है वो सब करके, फिर मैं शाम को मतलब दोपहर में 4-5 बजे अपने घर आई वापस। पार्लर से आने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा टैन हो गया है क्योंकि मुझे रोज़ बाहर जाना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे फेस पैक लगाया था। और फेस पैक में ये गोल्ड मतलब एवर यूथ का गोल्डन फेस मास्क था। और उसके बाद मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी तो मैं यहाँ पे सैलड खा रही थी क्योंकि खाना तो नहीं खा सकते इस तरह से। फेस मास्क उतारने के बाद फेस बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रहा था। मुझे अब समझ आया कि मेरे फेस पे कितना ज़्यादा टैन था और ये लोग मुझे चुपके से देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर मैंने अपना लंच किया। लंच में था चावल दाल और यहाँ पे ये करेले का भरता और चोखा और सैलेड साथ में। तो ये खाने के बाद तो बहुत ही ऐसा सुकून मिल गया क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगती है वापस आने के बाद।